तो वह आदि पुरुष के बाद प्रभास की न्यू मूवी सलार हो गई है रिलीज। जहाँ आदि पुरुष ने महीनों तक दिमाग खराब कर दिया था, पर ये मूवी वैसे नहीं है। जहाँ ये काफी लोगों को पसंद आने वाली है और ये एक पॉपुलर हिट भी हो सकती है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, पर उससे पहले सब्सक्राइब करना तो आपका फर्ज बनता है। तो प्रभास की ये न्यू मूवी सलार लगभग 3 घंटे की है, जो कि सुनने में ज्यादा लग सकता है, पर भाई एनिमल से तो छोटी ही है। इसके बाद ये मूवी उसी सेम डायरेक्टर ने बनाई है जिसने KGF और KGF 2 बनाई थी। तो अंदर की बात यह है कि अगर तुम्हें वो पसंद आई तो ये भी जरूर पसंद आएगी। इसके बाद मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा सिंपल पर केओटिक है। मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्टोरी को समझना मुश्किल हो जाता है, पर भाई मूवी की स्टोरी छोटे में मैं समझाता हूँ। तो इंडिया में खांडवा नाम की एक छोटी सी कंट्री है जिसे गैंगस्टर और माफिया रूल करते हैं। इसमें मेनली 3 कबीले रूल करते हैं, पर उनमें से एक कबीले को पूरी तरीके से मारकर राजमन्नार गद्दी पे खुद बैठ जाता है। वो अपने सक्सेसर के तौर पे अपने बेटे वरदराजन मन्नार को चुनता है, जिसका एक दोस्त होता है देवा, और वही मूवी में अपने प्रभास प्ले कर रहे हैं। जब मूवी में कई बार उन्हें सलार भी कहा गया है, जब वरदराजन के वारिस चुनने जाने की वजह से बाकी लोग उसके असैसिनेशन का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए वो अपनी पूरी आर्मी खड़ी कर देते हैं। जिसके जवाब में वर्धा अपने आर्मी के तौर पे देवा को लेकर आता है, जहाँ देवा अपने दोस्त के लिए इतना खून बहाता है कि उसे सलार कहा जाता है। जब सुनने में ये कहानी बड़ी क्रिंज लगती है, पर तुमको मजा भी देती है। जब मूवी के कोरियोग्राफी और वीएफएक्स तो काफी डिसेंट है, जहाँ स्पेशली बैकग्राउंड म्यूजिक पे थोड़ा सा बेहतर काम किया जा सकता था। साथ ही मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसकी वजह से किसी भी कैरेक्टर को डेवलप होने का पूरा मौका नहीं मिल पाता। आसान शब्दों में कहूँ तो मूवी के किसी भी कैरेक्टर के मरने के बाद भी आप उससे रिलेट नहीं कर पाते। बाकी मूवी प्रशांत नील ने बनाई है तो थोड़ी बहुत सिमिलरिटी KGF से भी मिलती है, पर वहाँ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। जब प्रभास ने अपनी पिछली मूवी से ज्यादा इसमें अच्छा काम किया है, और नोटिस करने वाली बात यह भी है कि पूरी मूवी में प्रभास के 10 या 12 डायलॉग्स होंगे बस, और वो भी सारे के सारे वन लाइनर है। इसके बाद ये एक एक्शन ड्रामा है, पर ये आपको नजर नहीं आता। मूवी अपने हिसाब से चलती है और अपने हिसाब से रुकती है, पर अगर तुम्हें KGF पसंद आई तो ये जरूर पसंद आएगी। पर अगर तुमने KGF मूवी नहीं देखी और बस एक्शन मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी तुम जरूर से चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद मूवी की रेटिंग 18+ है, पर हाँ तुम इसको फैमिली के साथ भी देख सकते हो। मूवी में कुछ मैच्योर लैंग्वेज या अडल्ट सीन नहीं, शायद उन्हें ये पसंद ना आए। बाकी अगर प्रभास के फैन हो तो ये मूवी तुम्हें जरूर पसंद आएगी। मूवी में प्रभास को एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर की तरह दिखाया गया है कि अगर ये छूटा तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। बाकी ये पूरी तरीके से मेरी एक्सपेक्टेशंस तो पूरी नहीं कर पाई, पर ऐसा नहीं है कि इस मूवी को देखा ही नहीं जा सकता। बाकी ये उन मूवीज में से जिसे देखने के बाद आपके पैसे बर्बाद हो गए ऐसा नहीं लगेगा। बाकी आप क्या सोचते हो उसके बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताओ, और ऐसे ही छोटे छोटे मगर कमाल के रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब कर दो।